कोल्ड शावर आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है। पर कैसे? द कोल्ड इज ए एब्सोल्यूट डोरवे टू द सोल। आइसमैन के नाम से मशहूर विम हॉफ कहते हैं, वी टेक पिल्स किल द सिम्पटम्स बट नॉट द कॉज। हम गोलियां खाते हैं, अलामात को मार देते हैं, मगर अलामात की वजह को नहीं। वैसे तो लोग सिर्फ बातें करते हैं, मगर इस बंदे ने ये खुद प्रूव किया है कि ठंडा पानी या बर्फ़ इंसान को इंतहाई कमाल रेजिस्टिव इम्यून पावर देती है। वैसे तो आप सर्च करें गूगल पे तो आपको हज़ारों वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो इस बात को साबित करती हैं कि ठंडे पानी से आपको बहुत से जिस्मानी और ज़हनी फ़वाद मिल सकते हैं, जैसा कि आपकी स्किन, आपके बाल, इवन फर्टिलिटी सिस्टम आपका बेहतर हो सकता है। मगर आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो इससे बहुत मुख्तलिफ है। वो आपको ये सिखाती है कि ज़िंदगी में रिस्क कैसे लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाते हैं और डर से कैसे लड़ते हैं सिर्फ ठंडे पानी से नहाने से। और ये सब कुछ समझने के लिए किताब को समझना होगा जिसका नाम है फ्लिंच, ये लिखी है जूलियन स्मिथ ने। और इसमें वो लिखते हैं कि फ्लिंच का मतलब वो एहसास है जो आपको किसी परेशानी में, मुश्किल सिचुएशन में होता है, जब आप अपने चेहरे, दिल और हवास को सुकेड़ते हैं क्योंकि आपको पता होता है आगे कुछ मुश्किल होने वाला है। इसी तरह वो अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो जब आप अपने घर में मौजूद हैं और आपके पास 5 मिनट हैं तो बाथरूम में जाएं और शावर को ऑन करें कोल्ड वाटर की तरफ। मेक श्योर के पानी जितना ठंडा हो उतनी अच्छी बात है, और फिर उसको हाथ लगा कर चेक करें। अब आपने इस शावर के नीचे जाना है, क्या आपको महसूस हो रही है वो टेंशन अपने सीने में और अपने हवास में? कभी कभार आप इस ठंडे पानी को देखकर हंसना शुरू हो जाते हैं, क्या मुझे इससे नहाना पड़ेगा? अभी तो आपने उसको एक्सपीरियंस भी नहीं किया होता, अभी आप उसके नीचे भी नहीं आए होते। आप एक फ्लिंच को प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो अभी तक हुआ भी नहीं है। आप उस चीज़ से डर रहे हैं जो डेफिनेटली आपकी जान नहीं लेगी, मगर ये भी सच है कि वाकई आपको डर लग रहा है। जैसे ही आप उस ठंडे पानी के नीचे आते हैं वो डिस्कम्फर्ट बस थोड़ी देर रहती है, और साथ ही आप उसके यूज़ टू होना शुरू हो जाते हैं, एंड देन एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल। ये लेसन हमें ये सिखाता है कि हम ज़िंदगी में कई बार किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी रिस्क को लेने से पहले उसका फ्लिंच प्रिडिक्ट करना शुरू हो जाते हैं, उसकी तकलीफ को महसूस करना शुरू हो जाते हैं और वो स्टेप कभी नहीं लेते। हम अपने कम्फर्ट जोन में ऐसे खुश हो जाते हैं कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ करना पसंद नहीं आती। तो कोल्ड शावर आपकी ज़िंदगी ऐसे चेंज कर सकता है कि आप एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में ऐसी शुरू कर देते हैं जो आपके कंफर्ट जोन में नहीं है, तो वो आपके माइंड को प्रिपेयर करती है, आपके लिए अगला फ्लिंच आसान हो जाता है, आपको ये एहसास होने लगता है कि दैट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि ठंडा पानी खोलें और 1 सेकेंड के अंदर ये फैसला ले लें कि आपने उस पानी के नीचे आना है, और यही तरीका आपके अगले फ्लिंच को आसान बना सकता है। और किसी भी चीज़ को आदत बनाने के लिए आपको सिर्फ 40 दिन करना होता है, और उसके बाद में आपको एहसास भी नहीं होता कि ये आपकी आदत है। उसके बाद में अपना नया फ्लिंच ढूंढ सकते हैं।